आएंगे लोगों को अभी मेरी जानकारी में नहीं, आपको जानकारी मिल गई सर। राम मंदिर प्रस्ताव के 15-16 लोगों ने विरोध किया है, क्या कहेंगे सर? राम भक्तों पर गोली चलवाने वाली समाजवादी पार्टी सरकार रही है। काशी विश्वनाथ मंदिर में व्यास जी के तहखाने को बंद करवाने का काम 1993 में समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया है। तो अगर इनके यहाँ 10-12 लोग 15 लोग कोई हैं ऐसे, तो भगवान उनको सद्बुद्धि दे, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में राम भक्त शिव भक्त उनको सजा दे। भैया नीचे करो, आईडी नीचे करो। जो भ्रष्टाचार के दलदल में आकंठ डूबे लोग हैं, उन्हीं लोगों का सबूत है, और जो धरातल पर कभी भी मजबूत नहीं होगा, क्योंकि सत्ता लोलित लोगों का सबूत था, कुर्सी के पीछे लोगों का। भैया नीचे कर लो भाई। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण योजनाओं ने जन जन में पैठ बनाई है, लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब हुई है। आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में हम 80 का चलेंगे। तो ये जो गठबंधन था, आप कह रहे हैं कि स्वार्थ पे ही बना था, इसे पूरी तरह स्वार्थ पे बना था, इसका कोई लेना देना नहीं। तो ये भाजपा की तरफ झुकाव दिख रहा है आरएलडी। देखिए आप वेट करें, जैसे कुछ इतना प्राप्त होगी हम बताएंगे। नीचे करोगे ना, माननीय मोदी जी के रूप में भारत को मिला है, भारतीय जनता पार्टी से माननीय मोदी से जुड़ना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इन तमाम मुद्दों पे जो निर्णय हमारे शीर्ष नेतृत्व लेता है, लेकिन एक बात साफ और स्पष्ट है कि इंडिया अलायंस गठबंधन पे जनता को तो पहले ही भरोसा नहीं था। अब इंडिया अलायंस गठबंधन के जो दल है वो आपस में एक दूसरे का दामन छोड़ रहे हैं। एक कमज़ोर न्यू पे एक इमारत तैयार करने की कोशिश जो इंडिया अलायंस की गई थी, वो अपने आप में समय दर समय वो धाराशायी हो रही है। इमारत आज चाहे बिहार हो, पश्चिम बंगाल हो, चाहे पंजाब हो, हर तरफ इंडिया अलायंस गठबंधन के दल आपस में एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हुए एक दूसरे का साथ छोड़ रहे हैं। ये बताने के लिए अपने आप में काफ़ी है कि इंडिया अलायंस गठबंधन का जो निर्माण हुआ था वो व्यक्तिगत राजनीतिक जो है अपनी चाहत को पूरा करने के लिए हुआ था। ना तो भारत के विकास का उसमें कोई एजेंडा था, ना तो समाज की तरक्की का कोई एजेंडा था। अपने निजी राजनीतिक स्वार्थ को पूरा करने के लिए जो अलायंस उन्होंने तैयार किया था, वो अलायंस आज धराशायी हो चुका है।